हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन नाइटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को वेल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि वेल्डिंग का कितना महत्वपूर्ण है, वेल्डिंग से क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट लोग जो है कुछ ऐसा चीज़ बनाए हैं जो आप भी देखेंगे, वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और ये देख रहे हैं आपने, ये जो बच्चे लोग जो बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर पॉट। मतलब इसमें फूल जो लगाते हैं वो गमला को आप रख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे लोग जो डिजाइनिंग किए हैं, ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट लोग है, ओके, टर्नर ट्रेड के हैं। तो ये लोग साथ अपना ट्रेड का तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी वेल्डिंग भी करते हैं। मतलब हर ट्रेड का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के साथ साथ फिटर का हो गया है, इलेक्ट्रिकल का कुछ कुछ काम करते हैं, तो मल्टी स्किल ये हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम बताना ये चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट लोग जो है क्या क्या बना सकते हैं। तो ये हम आप लोग को एक सामने में दिखा रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर पॉट। तो ये कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये लोग सोच करके कुछ ड्राइंग बना करके ये लोग डिजाइनिंग किए हैं, ओके। तो एक ड्राइंग बनाया था, उन लोग कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर इन लोग को क्या किया कि मॉडिफाइड किया है, मतलब मॉडिफिकेशन किया गया है। तो आप जरा देख रहे हैं कि ये ऊपर में मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो एक बार जरा वीडियो को देखिएगा कि ये किस प्रकार ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप वीडियो देख रहे थे ना, यहाँ एक रड को वेल्डिंग करना था, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आया कि थोड़ा सा ये बड़ा है। तो अब ये क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। दो चार मिलीमीटर जो है कटिंग करेंगे, इसके बाद ये फिक्स करके क्या करेंगे, फिर ये वेल्डिंग करेंगे। तो ये वेल्डिंग मशीन जो है, ये पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है, मतलब एसआप कंपनी का वेल्डिंग मशीन है, ओके दोस्तों। इसका ज़्यादा दाम नहीं है, ठीक है, 5000 रुपये मिल जाता है आसानी से। बट पोर्टेबल मीन्स आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आप आसानी से ले सकते हैं, ओके। तो ये दो चीज़ हम लोग बनाए हुए हैं, सेम चीज़ है ना, सेम हाइट है। तो दो चीज़ हम लोग बनाए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कैसे ये बच्चे लोग जो वेल्डिंग कर रहे हैं, ओके। तो जितना मॉडिफिकेशन करना है, जितना वो लोग डिजाइनिंग करना है, ये सारे बच्चे लोग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे होता है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे लोग 4 घंटा थ्योरी पढ़ते हैं और 4 घंटा जो है प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब जितना चीज़ प्रोजेक्ट से लेकर के हर चीज़ बच्चे लोग जो है तैयार करते हैं यहाँ पर, है ना। तो हर चीज़ ये लोग काम करते हैं, अपना एक्सरसाइज भी करते हैं, साथ में प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। तो आप ज़रा वीडियो को देखिए। तो आपने देख लिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कटर है ना, एब्रेसिव कटर है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, रेड को काटते हैं, ठीक है। अगर बड़ा है, छोटा है, जो भी हो, हम लोग रेड को काटते हैं और जल्दी से ये कट जाता है, ठीक है। ये व्हील लगा हुआ है, अगर हम लोग हाथ से काटेंगे, हेक्सो ब्लेड से काटेंगे, तो टाइम लग जाता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़ा से बड़ा चीज़ हम लोग बना नहीं पाते हैं, तो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कटर से हम लोग काटते हैं ताकि जल्दी कट जाए, ओके। तो क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है ना, इसको ग्राइंड भी नहीं कर सकते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम लोग टाइम को सेव करना है, टाइम को बचाना है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसी व्हील से हम लोग कट करते हैं। तो जरा देखिए कैसे कट कर रहे हैं। ओके, तो ये कट करके कंप्लीट हो गया है, रॉड को लाया है, और अभी क्या कर रहा है, ये मेजरमेंट ले रहा है, सही पोजीशन पर लगाएगा। इसके बाद जैसे ये पोजीशनिंग हो जाएगा, ये आपका पहले टांका मारेगा, है ना, इसको टैगिंग बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा कर लेगा,
जैसे ही ये पकड़ने का लायक हो जाएगा फिर अपना वेल्डिंग शुरू कर देगा। ठीक है, टैग मार दिया है ना, अब इसके बाद कंटिन्यूस करेगा, देखिएगा। तो ये आपका कंटिन्यूस जो है वेल्डिंग हो रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कर रहा है इलेक्ट्रोड द्वारा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी डिजाइन है, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो आप आसानी से कोई भी डिजाइन को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसलिए हम दिखा रहे हैं कि इस तरह का छोटे छोटे चीज़ जो भी घर पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल पर्पज़ से हो या होम पर्पज़ से हो, कोई भी चीज़ को तो आप आसानी से आप बना सकते हैं और घर में यूटिलाइज कर सकते हैं, या इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी के लिए आप यूज कर सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। ओके, तो हमने ये ट्राई कर रहे हैं, है ना, हमने ट्राई करा है कि एक गमला को लगा करके हमने ट्राई करा है जिसमें जो है फूल लगा हुआ है, सही में ये यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सही में ये करेक्ट है या नहीं, तो हम लोग बना के देखें तो बहुत कमाल का चीज़ ये लोग बना दिया है ना। ठीक है, बहुत कमाल की चीज़ बना दिया ये लोग। और नीचे में, सबसे नीचे में हम लोग क्या करेंगे, रड को हम लोग वेल्डिंग करेंगे ताकि हम लोग ज़मीन के अंदर लगा सकें। ओके, चार को, चार पीस है ना, चार जो लेग की तरह काम करेगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन में लगाएंगे। तो ये दूसरा पीस यहाँ भी है। ओके, तो यही आपको अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आप अपने से रड खरीद करके आप बना सकते हैं तो आसानी से टुकड़ा करके कोई भी डिजाइन आप इसको मोड़ करके, मरोड़ करके किसी भी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये हम मशीन दिखा रहे हैं, ये एसआर कंपनी का मशीन है ना, वेल्डिंग मशीन है ये। ठीक है, करीब करीब ये 7-8 हज़ार का मशीन है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है, और अगर सिंपल पर्पज़ वाला खरीदेंगे तो आप 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। कोई भी आप हार्डवेयर दुकान में या वेल्डिंग मशीन जहाँ पर मिलता है वहाँ पर, वहाँ से खरीद सकते हैं आप। ओके, तो जरा वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, अभी आगे क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। तो आपने देख लिए दोस्तों, दोस्तों वेल्डिंग के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितना भी गाड़ियाँ बनती है, मशीन बनता है, जो भी चीज़ बनता है वो बिना वेल्डिंग के पॉसिबल नहीं है। हर जगह हम नट बोल्ट तो यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वेल्डिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि लड़का हो या लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट, हर काम को करना पड़ता है ना, हर काम में इसको स्किल लाना पड़ता है। तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार ये लोग काम कर रहे हैं। तो वेल्डिंग तो आप जानते हैं कि घर में जैसे कि हम लोग खिड़की, दरवाज़ा, ग्रिल, इस प्रकार का बहुत सारा चीज़ हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो अगर थोड़ा सा आप स्किल हो जाते हैं, थोड़ा सा आप स्किल लाएंगे तो हर काम आप वेल्डिंग के द्वारा कर सकते हैं और बना सकते हैं डिजाइनिंग। तो वेल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी से आप किसी दो पार्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वेल्डिंग मीन्स क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल। तो यह एक ऐसा तरीका है जिसमें दो धातु, समान धातु या असमान धातु को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं कम समय में, है ना, बहुत ही फास्टली। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेनी जो है काम कर रही है और वेल्डिंग कर रही है, मतलब कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, लड़का या लड़की दोनों समान है, मतलब हर कोई को काम करना पड़ता है। ओके, तो आप देख रहे हैं वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा। जैसे मैंने क्या कर रहा है, इसको गाइड कर रहे थे। तो दोस्तों ये कमाल का चीज कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग ने बाहर मैदान में, गार्डन में लगा दिए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और जरूर शेयर कीजिएगा,
वीडियो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और